Assalamualaikum, hi everyone. Hope you all are having an amazing day. अभी बचे हैं जी सुबह के 9 और मुझे कॉल आई थी कोरियर सर्विस से कि आपका पार्सल आया है। मैंने एक्चुअली कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी स्किन केयर के लिए। मुझे हाइपरपिगमेंटेशन है पोस्ट प्रेगनेंसी जो हो जाती है अक्सर औरतों को, तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर की थी। इन स्टोर अवेलेबल नहीं थी तो फिर मुझे ऑनलाइन ही परचेस करनी पड़ी। सो ये एक क्रीम है स्पॉट करेक्टर और ये विटामिन सी है विशी का 15% इस दफ़ा मैंने जो है वो मंगवाया है। एंड दिस वन हैज़ द कॉजिक एसिड और लिकोरिश रूट। और ये मैं इस पे जो है वो डिटेल्ड वीडियो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने पिगमेंटेशन को कंट्रोल किया है और ट्रीट कर रही हूँ और कितना इसका जो है वो मुझे इफ़ेक्ट क्लियरली विजिबली वो जो है नज़र आया है। तो अभी मेरे हस्बैंड जो थे वो कह रहे थे कि मुझे वॉफल बना के दो, क्योंकि मैं वॉफल मेकर लेके आई थी कॉफलैंड से। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था तो मैंने अभी खोला भी नहीं था। तो ही वॉज़ लाइक आज वॉफल्स बनाओ, और वो फटाफट से क्रॉसरी करके लेके आए थे, जो चीज़ें नहीं थी वो लेके आए थे। और अभी मैं यहाँ पे इसका बैटर बनाने लगी हूँ वॉफल्स का। इसके लिए लेंगे जी एग, और इसमें ऐड करेंगे शुगर। इट्स ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको कितना ज़्यादा मीठा पसंद है। सो आई टुक हियर अराउंड 6 to 7 टीस्पूंस। टीस्पूंस हैं ये, टेबल स्पूंस नहीं है, छोटे छोटे से चम्मच हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डाइट पे हैं तो आप इसमें हनी या फिर मेपल सिरप जो है वो ऐड कर सकते हैं, और प्लेन फ्लावर की जगह आप जो है वो ओट्स ऐड कर सकते हैं। तो बैटर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा। द रेस्ट ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स आर फाइन इवन इफ़ यू आर ऑन डाइट। सो यहाँ पे मैंने शुगर और एग्स और वनीला एक्सट्रैक्ट जो है अराउंड टीस्पून लेके उसको विस्क कर लिया है, और इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर टीस्पून और मैदा, वो मैंने बास डिश में रखा हुआ है। और इसमें ऐड किया है रूम टेम्परेचर मिल्क और बटर, मेल्टेड बटर, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक कप की मेजरमेंट है, इसी कप से मैंने ये मैदा जो है वो लिया था, और इसी कप में मैंने राउंड 3/4 जो है वो मिल्क लिया है, और 1/3 जो था उसमें मैंने बटर ऐड किया था। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसके बाद मैं बैटर को डिवाइड कर लूँगी 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ज़रून को जो है वो चॉकलेट वाले वॉफल्स अच्छे लगते हैं, हर चीज़ जिसमें चॉकलेट हो वो बहुत शौक से खाता है। तो उसमें मैंने जो है वो कोकाओ पाउडर जो होता है अराउंड 2 टेबल स्पून वो ऐड करके मिक्स कर लिया था। और ये है जी वॉफल मेकर, अभी मैंने खोला भी नहीं था। वैसे इन कॉफलैंड पे बड़ी अच्छी इसकी सेल लगी हुई थी, 10 यूरो में मिल गया था, तो मैं ले आई थी। तो ही वॉज़ लाइक के आज इसको खोलो। तो अभी कर रही हूँ मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही। इसको मैंने अच्छे से वाइप कर लिया था, और उसके बाद जो है हमने बना लिए थे जी अपने वॉफल, और बहुत इजी और बहुत क्विक बनते हैं। और ये जो सेम बैटर है यू कैन यूज़ इट फॉर पैनकेक्स एंड आल्सो फॉर द क्रेप केक्स, वो भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। और सेम रेसिपी जाती है इसके बैटर की, जैसे इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और यहाँ पे मैंने एक साइड पे चॉकलेट वाले और एक साइड पे वनीला वाले जो थे वो उसका बैटर मैंने ऐड करके राउंड जो है वो 2 स्पूंस, आप 3 स्पून कर लें अगर आपको पूरा वो यानी कि हैवी चाहिए। मैंने 2 स्पून किए थे, और ये बिल्कुल अच्छी उसकी जो थी ना शेप आ गई थी। और अभी मैंने इसको जो है वो कर रही हूँ इसको डेकोरेट, और इसको करेंगे जी असेंबल फ्रूट्स के साथ। मेरे पास बेरीज थी, फ्रोज़न बेरीज थी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और बनाना, और इसके ऊपर मैंने ऐड किया था पिस्टैशियो आइसक्रीम और कैरमल सॉस। तो आपके पास मेपल सिरप है या बटर है, आप खाली उसके साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं, और चॉकलेट सिरप के साथ, स्ट्रॉबेरी सिरप, जो भी आपकी मर्ज़ी हो उसके साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं।
और अभी हम लेके जा रहे हैं जी बच्चों को बाहर प्ले एरिया में। हमारे पास ही किंडर गार्डन्स हैं और उनके प्ले एरियाज़ होते हैं और वैसे भी छोटे छोटे से पार्क्स होते हैं। तो पिछले काफ़ी दिनों से गर्मी हो रही थी, हीट वेव्स चल रही हैं यूके वाली साइड पे भी और हमारे यहाँ पे भी थी, और हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे। इनके डैडी ही मोस्टली जाते थे, किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो ले आते थे। सो वी स्टेड एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इट्स बीन लाइक 2 weeks और सो। सो आज मौसम थोड़ा सा बेटर लग रहा था तो मैं क्या इनको लेके चलते हैं बाहर। और ये 5 मिनट की वॉक है हमारे घर से। और ये है जी वॉलनट ट्री। मैंने पाकिस्तान में, हम लोग पंजाब से अरकोट लाहौर में ही जो है वो मोस्टली रहे हैं, तो मैंने कभी भी नहीं देखे थे। और डेफिनेटली नॉर्दर्न एरियाज़ में तो होते हैं लेकिन वहाँ पे हम लोग कभी गए ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखे थे। और मुझे बड़े, पता नहीं क्यों, मुझे इतना फैसिनेट कर रहे थे। और ये भी पता नहीं कोई फ्रूट ट्री है, आई डोंट नो ये कौन सा फ्रूट है। ये मैंने इसको टेस्को वगैरह में कभी भी नहीं देखा, ना लिटिल बिल्ला में। तो ये भी बड़ा मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं जो इस तरह से फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आप ख़ुद पिक करते हैं। और ये किंडर गार्डन है, इसके मिडल में ग्राउंड है, दोनों साइड्स पे जो है वो डिफरेंट स्कूल्स हैं, किंडर गार्डन्स हैं। और जरून को उन्होंने अभी नहीं लिया था, हमने अप्लाई किया था, दे सेड के अभी वो जो है 2.5 years है, 3 years का होगा तो फिर उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी वो ठीक से अभी सही तरह से बोलता भी नहीं है और थोड़ी थोड़ी सी बातें करता है। तो आई डोंट नो देयर वाज द रीज़न या क्या वजह हुई, और कुछ हमें लैंग्वेज का भी बड़ा इशू होता है। तो अभी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन देन दे सेड के अभी जब वो 3 साल का हो जाएगा तो उसको ले लेंगे। तो ही इज़ गोइंग टू बी 3 years इन अक्टूबर दिस ईयर इंशाल्लाह, सो होपफुली दे विल एक्सेप्ट हिम। और अभी जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। They spent around 2 hours here. So ज़रूर वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हमारे जो बिल्डिंग में हमारे साथ हमारे नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी आ गए थे अपनी बच्ची को लेके। तो ही वॉज जस्ट हेल्पिंग हिम आउट कि इसको ज़रूर को घर लेके जाया जाए। सो ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन ज़रूर तो ज़रूर है फिर। सो आ जाता है, उसको बड़ा मज़ा आता है क्योंकि कोविड रहा है जब से ये पैदा हुआ था 2019 में अक्टूबर में, और नवंबर दिसंबर और जनवरी 2020 तक कोविड जो है वो काफ़ी हद तक हिट कर गया था। तो उसके बाद हम लोग क्वारंटीन में रहे हैं और उसको मौका ही नहीं मिला। तो अब जब वो बाहर जाता है ना तो वो बस उसका दिल करता है बस मुझे छोड़ दो, और मैं जो है ना वो बस खेलता रहूँ और घर आने का फिर नाम ही नहीं लेता। और मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ पे ऐसे ही होता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एक दो हफ्ता अगर होती भी है तो उसके फौरन बाद ही मौसम जो है ना वो बड़ा मज़े का हो जाता है। सो बारिश होना शुरू हो गई थी एंड माय हस्बैंड वाज लाइक कि मुझे लोडेड चिकन चीज़ फ्राइज़ बना के दो। उन्होंने पता नहीं कोई टीवी पे देखा था या क्या था, वो बस मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है, मिल्क है, जिंजर गार्लिक है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली सॉस, सोया सॉस और रेड चिली पाउडर, और मैंने तिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड करके इसको मैरिनेट कर दिया था। आप इसमें क्रीम ऐड करें, बटर मिल्क ऐड करें, एज़ पर योर लाइकिंग आप उसको जो है वो मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बनेगी जी चीज़ सॉस, उसके लिए मैंने लिए है श्रेडेड मोज़रेला और चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे और डबल क्रीम थी, और टेबलस्पून बटर लेके उसमें मैंने जो है अराउंड 2 tablespoons मैदा जो होता है उसको ऐड करके, तो उसको मैंने सौते कर लिया है। और ज़रा सा इसका जब कलर चेंज होता है या अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी तो उसमें हम जो है वो मिल्क ऐड करेंगे। ये बड़ी क्विक और ईजी जो है वो सॉस बनती है और ये बहुत ही यम्मी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा बटर ऐड नहीं करती, आपकी है। सो थोड़ा थोड़ा से मिल्क ऐड करके इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना बने। तो जैसे ही सारा मिल्क ऐड हो गया तो उसके बाद इट टेक्स ओनली 2 to 3 minutes और ये जो है ना इट जस्ट स्टार्ट्स गेटिंग थिक। और इसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर ऐड किया था। आप इसमें ऑरिगैनो ऐड करें क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने ऐड कर दिया था।
और ये गई हैं जिसमें चीज़ेस और मोज़रेला और जो चेडर स्लाइसेस थे, और बड़ी मज़े की यम्मी सी इसकी कंसिस्टेंसी आ गई। आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके इसको और स्मूथ भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली कर रहा है, इफ़ यू वांट टू प्रेजेंट इट टू समबडी, आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि सारे स्टेप फॉलो करें। और अब भी मैं जो है वो चिकन को कोट कर लूँगी। ये है जी मैदा, उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर है और साथ में लिया है जी कोल्ड वाटर। और इसको जो है वो मैदे में इसकी कोटिंग करके इसको पानी में डिप करेंगे और फिर से इसको मैदे में डिप करेंगे और फिर से पानी में करके फिर से मैदे में करेंगे। सो इसमें कॉर्न स्टार्च भी जाता है, उससे ज़रा थोड़े और क्रिस्पी हो जाते हैं। हाँ, मेरा ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने नहीं ऐड किया, सो आपकी मर्ज़ी है। सो इससे भी बड़े अच्छे क्रंची जो है क्रिस्पी से बने थे, और ये मैंने सारे वो करके उनको रेडी कर लिया है। आप इसमें जो है जब कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं तो ये और ज़्यादा इसके अच्छे लम्प्स जो हैं वो बनते हैं। और यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया था, ये एक बैच जो है वो डन हो गया था। एंड लुक एट देम, दे आर सो क्रिस्पी क्रंची। और मज़े की बात ये है कि ज़रून ने भी इन्हें खा लिया था। ज़रून कोई भी मीट नहीं लेता, ना चिकन, ना बीफ, ना मटन, कोई भी जो मीट है वो नहीं खाता। ओनली जो कि वो टर्किश डोनर होते हैं ना, वो खा लेता है। या फिर ये मैंने बनाया था ना, आई वाज सो शॉक्ड कि उसने जो है वो ये खा लिया था बड़े शौक से। और अभी साथ में मैंने जो है वो चिप्स भी फ्राई कर लिए थे, और हमारी सॉस भी रेडी थी चीज़ वाली। और दूसरी में है जी चिल्ली सॉस, मेयो, केचप एंड लेमन जूस एंड गार्लिक, वो डाल के तो वो भी मैंने इसकी जो है वो पिंक चिल्ली सॉस जो होती है वो भी रेडी कर ली थी। अब इसकी बस लेयरिंग करेंगे। चिकन ऐड किया है और चिप्स ऐड किए हैं, उसके ऊपर सॉसेस जाएंगी और उसके ऊपर केचप जाएगा और जाएगा जी ऑलिव्स। और ये ऑलिव्स जो हैं ये पिकल्ड वंस हैं, यहाँ ये भी हमने यहाँ पे अरेबिक शॉप से लिए थे, बड़े मज़े के ऑलिव्स हैं ये। और दैट्स इट एंड वी इंजॉयड आवर मील। और ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड ने खाने के 10 मिनट बाद मुझे बोला कि मुझे एक और बैच बना के दोना है, बस लाइक यू आर टू मच। वाकई बहुत यमी बने थे। सो होप यू इंजॉय टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू डिड, गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।